हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। आज हम बनाएंगे रुमाली रोटी। रुमाली रोटी बहुत ही सॉफ्ट होती है और ये रुमाल की तरह ही पतली होती है, इसलिए इसका नाम रुमाली रोटी होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये रुमाली रोटी की रेसिपी पसंद आए तो रेसिपी को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं, जिससे कि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो रुमाली रोटी बनाने के लिए मैंने यहाँ 1 कप मैदा ले लिया है। इसमें हमने आधा छोटा चम्मच नमक डाला है, 1 छोटा चम्मच ऑयल डाल लिया है। अब हम इसे हाथ से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आप इसे हेल्दी बनाना चाहते हैं तो आधा आटा और आधा मैदा आप इसमें यूज कर सकते हैं। तो ये हमने इसे मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें दूध डालेंगे। तो इसमें हमने गुनगुना दूध डाला, यानी कि वार्म मिल्क डाल लिया है, और इसे थोड़ा थोड़ा करके हम डालेंगे और इसी से हम आटा को गूंथेंगे। आप चाहें तो पानी से आटा गूंथ सकते हैं, पर हम यहाँ पे मिल्क से आटा गूंथ रहे हैं क्योंकि रोटी जो है इससे बहुत ही सॉफ्ट बनती है। तो ये हमने मैदे को बहुत ही सॉफ्ट गूंथा है, ये आप देख सकते हैं। तो इसमें हम 1 छोटा चम्मच ऑयल और डाल लेंगे, जिससे कि इसे हमें चिकना बनाने में मदद मिलेगी। तो ये बहुत ही अभी चिपचिपा सा है, देख सकते हैं आप। तो इसी तरह से हम इसे तब तक गूंथेंगे जब तक ये पूरी तरह से चिकना ना हो जाए। तो ये हमारे मैदा जो हमने गूंथ लिया है, बहुत ही सॉफ्ट गूंथ के तैयार हुआ है, काफी अच्छा चिकना हो चुका है। अब हम आटे को ढक करके रेस्ट करने के लिए रखेंगे। तो इसे मैंने ढक दिया और 20 मिनट के लिए इसे रेस्ट करने रखेंगे। तब तक मैंने एक कटोरे में पानी ले लिया है और इसमें 1 छोटा चम्मच मैंने नमक डाल करके इसे मिक्स कर लिया है। ये देखिए, इसे हमने मिक्स कर लिया है। तो 20 मिनट के बाद हमारा आटा जो है वो अच्छी तरह से सेट हो चुका है। तो इसे हम एक बार फिर से गूंथ लेंगे। अब हम इस आटे से लोई तोड़ करके तैयार करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 4 लोई तोड़ करके तैयार कर लिया है और इसे हमें बेल लेना है। तो अब हम इस लोई को सूखे मैदे में लपेट लेंगे, ये देखिए इस तरह से। और अब हम इसे अच्छी तरह से बेलेंगे। तो हमें इसे पतला बेलना है, तो हम इसे जितना पतला हो सके उतना पतला बेल लेंगे और बीच बीच में हम इसमें सूखा मैदा लगाते रहेंगे, जिससे कि ये चिपकेगी नहीं। रोटी के साइड को हम बहुत ही पतला बेलेंगे ताकि जब हम इसे पकाएं तो ये साइड साइड से कच्चे ना रह जाए। तो ये आप देख सकते हैं, हमने इसे काफी पतला बेल लिया है। तो अब हम इसे हाथ से अलटते पलटते हुए इसका जो भी एक्स्ट्रा मैदा जो है सूखा हुआ उसे हम निकाल लेंगे, ये देखिए इस तरह से। अब आप चाहे तो इसे इसी तरह से कढ़ाई में डाल सकते हैं, या आप इसे बेलन की मदद से भी इसे कढ़ाई में डाल सकते हैं, ये देखिए इस तरह से। इस तरह से हम इसे रोटी को रोल कर लेंगे। तब तक मैंने कढ़ाई को गर्म करने के लिए रख दिया है। तो हमने कढ़ाई को उल्टा करके रखा है और इसे हमने हाई फ्लेम पर रख लिया है। और अब इसमें हम नमक का पानी छिड़केंगे, जिससे कि इसमें नॉनस्टिक कोटिंग आ जाएगी, नॉनस्टिक लेयर बन जाता है, जिससे कि हमारी रोटी जो है वो चिपकेगी नहीं। तो इस तरह से अब हमने रोटी को डाल दिया है बेलन से, और ये आप देख सकते हैं कि थोड़ी देर में इसमें थोड़ा स्पॉट्स आने चालू हो गए हैं, ये देख सकते हैं। तो अब हम एक साफ कपड़ा लेंगे कॉटन का, और इससे हम इससे रोटी को हल्का हल्का प्रेस करेंगे, जिससे कि ये आसानी से पक जाए और हर तरफ से पक जाएगी। तो अब हम इसे पलट लेंगे और इसे हम दूसरी तरफ से भी हल्का हल्का प्रेस करते हुए पका लेंगे। तो इस रोटी को हमें बहुत ज्यादा नहीं सेकना है, वरना ये कड़ा हो जाएगा। तो इसे हमें सॉफ्ट रखने के लिए हल्का ही सेक लेना है। तो ये आप देख सकते हैं, हमारी रोटी जो है वो बन चुकी है। तो इसे हम फोल्ड कर लेंगे और इसे निकाल लेंगे। तो आप भी इसी तरह से रुमाली रोटी बनाइए और कमेंट करके बताइए कि ये कैसी बनी। तो रेसिपी अच्छी लगने पे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे किसी नई रेसिपी के साथ। टिल देन, बाय बाय।